नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। ऑल इंडिया पीडब्ल्यू मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन द्वारा आज करनाल के नेहरू पैलेस के सामने जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में सरकार की पोल खोलो अभियान के अंतर्गत एक मीटिंग का आयोजन किया गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। कर्मचारी नेता विश्वनाथ सिंह ने बताया कि सर्व कर्मचारी संघ एवं अन्य कर्मचारी संगठनों द्वारा सरकार के साथ जो बातचीत की गई थी, सरकार उस पर खरा नहीं उतरी है और कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी कर रही है, जिसके चलते सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश में पोल खोलो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कर्मचारी प्रत्येक मुख्यालय पर जाकर सरकार की पोल खोल रहे हैं और कर्मचारी विरोधी नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों पर आचार संहिता लगने से पहले गौर नहीं करती और पूरा नहीं करती, तो विधानसभा चुनाव में सरकार का विरोध किया जाएगा और सरकार के खिलाफ प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में जनस्वास्थ्य विभाग एवं पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल विभाग से बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस मौके पर देखिए कि कर्मचारी नेताओं ने क्या कहा। मुर्दाबाद, 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 जल चलो मुर्दाबाद, 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 सरकार के दल है मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैं विश्वनाथ शर्मा, राज्य प्रधान आल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन एवं हरियाणा कर्मचारी महासंघ। केंद्रीय परिषद के आह्वान पर सभी जिला स्तर पर हरियाणा सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में जिला स्तरीय पोल खोलो अभियान जारी है। उस कड़ी में आज करनाल में जिला करनाल की ब्रांच इंद्री, गरौंडा, असन, नीलोखेड़ी और करनाल के साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। पिछले काफी समय से हरियाणा कर्मचारी महासंघ को मुख्यमंत्री ने और सरकार के आला अधिकारियों ने कई बार बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन जिन मांगों पर सहमति बनी थी उन मांगों पर धरातल पर लागू नहीं किया गया। घोषणा पत्र में वादा किए गए थे कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पंचायती राज टर्म अपॉइंटमेंट के सही कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, पंजाब के समान वेतनमान दिया जाएगा, पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी और एसग्रेस या पॉलिसी मृतक कर्मचारी के आश्रित को नौकरी दी जाएगी, विभागों में खाली पड़े पदों पर नियमित भर्ती की जाएगी और तकनीकी वेतनमान बहाल किया जाएगा आदि आदि वादे किए गए थे। लेकिन कई बार की बातचीत के दौरान मात्र केवल जो हमारा आचार्य जनवरी 2016 से ड्यू था, वो सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा अगस्त 2019 से देकर शुद्ध रूप से कर्मचारी विरोधी सरकार होने का ये प्रमाण साबित कर दिया। और किसी भी कच्चे कर्मचारी को रेगुलर करने की सरकार की कोई पॉलिसी नहीं, और जो मूलभूत सुविधाएं, जो समस्याएं हैं जिसकी तस खड़ी हैं, और जनस्वास्थ्य विभाग जो जनता से जुड़ा हुआ सीधे रूप से विभाग है, जल ही जीवन है, इस अतिशयोक्ति को जुटलाते हुए मुख्यमंत्री हरियाणा ने 5 शहरों की जल आपूर्ति और मल व्यवस्था को निगमों के हवाले कर दिया, जिसमें करोड़ों रुपए रेवेन्यू के रूप में, बिलों के रूप में सरकार के पास आता था। आज निगम में जाने के बाद कोई बिल के रूम में सरकार के पास कोई पैसा नहीं आ रहा। इस बात को नजरअंदाज किया जा रहा, कई बार अधिकारियों से बातचीत की गई, लेकिन सरकार का रवैया बिल्कुल अड़ियल है। आपके माध्यम से सरकार को आज कोई अपील और दलील नहीं। पोल खोलो अभियान के समाप्त होने के बाद सभी जिला स्तर पर यह कार्यक्रम है। इसके बाद हरियाणा कर्मचारी महासंघ एवं मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन की केंद्रीय परिषद की आपात मीटिंग बुलाकर सरकार के खिलाफ विधानसभा चुनाव से पहले, चुनाव आचार संहिता लगने से पहले निर्णायक आंदोलन का बिगुल बजाया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। आगामी चुनाव में क्या भूमिका रहेगी आपको? यदि सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को, घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं किया, सरकार ने सरेआम लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले समान काम समान वेतन की सरकार द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही, इसके विरोध स्वरूप लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास रखते हुए यदि नाटो का बटन भी कर्मचारी को दाबना पड़ा तो उसमें भी हम गुरेज नहीं करेंगे।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।